आज आप क्या कर रहे हो? चाय कैसे बना रहे चाय हो? बना रहे हैं हम। आप कुछ अलग तरीके हमने से चाय दूध बना। उबाल दिया, उसमें थोड़ा सा पानी भी मिला दिया, अब अदरक डाल दिया। और आज का मौसम कैसा है दिल्ली में वो बताइए आप, थोड़ा प्रकाश अच्छा डालिए इसमें। मौसम अच्छा है, कोहरा लगा था और अभी हल्की हल्की धूप आनी स्टार्ट हो गई है। और हमने अदरक धो लिया। और अदरक डालने से पहले धो जरूर ले, क्योंकि वो किसी भी खेत में हो सकती है जो जिसमें गू हो सकता है, यू नो, गटर 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 खाली करवा देते हैं ना लोग खेतों में। तुम बना भी रहे हो? हाँ हाँ, बना के लोग गटर खाली करवा देते हैं ना, जिससे फसल अच्छी हो। इसीलिए कुछ भी बाहर सब्जियां लाए, अदरक लाए, कुछ लाए, पहले धो ले, उसके बाद अच्छे से छील ले, उसके बाद ही आप कद्दूकस करें या जो भी काटना है वो तक करें। तो अब कद्दूकस। और कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे रेली बरेली में, क्या डिफरेंस लग रहे हैं? लग रहे हैं यहाँ पे ठंड नहीं है। तुम्हारा यूके कौन सा है? उत्तराखंड का है। यूपी अच्छा, यूपी के वहाँ पर है, वहाँ से कैसी मतलब ठंड कैसे आती है? उसके बाद इनके दो तीन मोटिवेशनल वर्ड सुनने पड़ेंगे। देखिए अब हम इसमें ये यार फूड ब्लॉग बना रहे हैं, चाय ब्लॉग्स। वेलकम टू चाय ब्लॉग्स, उर्वशी और विकास के साथ। कैसे आज देखिए, जैसे मंडे है, आज जॉब का डे है। अब हम इसे चमचे से थोड़ा हिला लें। अर्जेंटीना की जीत के बाद जो ये ब्लॉग पहली बार बन रहे हैं, जिसके बाद मंडे आना ही है। अर्जेंटीना तो चली गई है, लेकिन मंडे को काम करना ही पड़ता है, अब क्या करें। इसमें पानी है, हम यहाँ से निकालेंगे। अब कब मेरा यस, बाहर का व्यू दिखाएं। तुम कौन से में पियोगे? किसी में भी पी लूंगा। यस मैम, इट्स बेटर टू हैव ब्लैक वन। जी हम आपको बालकनी का व्यू दिखा रहे हैं गाइस। ये देखिए गाइस, चाय में आ चुका है, मतलब दूध में बॉईल आ गया है। तो इनमें अब दूसरी प्रोसीजर, अब हम पत्ती डालेंगे। मेरे को चम्मच का आइडिया नहीं आता, इसलिए मैं इसमें लेके डालती हूं। ओके, आप भी ऐसे बनाइए। ये आपको गुड़गांव में जो यार ये क्या है, चाय तो टपरी मिलती है उसमें ऐसी बनती है चाय, और ये वहाँ पे थोड़ा बहुत अपनी आंखों के हिसाब से काम करती थी। अब हम इससे शुगर शुगर डालेंगे। शुगर हम बहुत ही लाइट लेते हैं, तो 10 शुगर। ओके, आप कलर देख सकते हैं कैसे कलर आ रहा है। पत्ती थोड़ी कम है तो हम पत्ती थोड़ी और डालेंगे। और जैसे कि हम रेगुलर काम कर रहे हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं, चाय पत्ती की चाय पीनी हम एक साथ लेके आ रहे हैं। जो हमने नया ब्रांड स्टार्ट किया है, जो हमने 10 BHK के लिया है, आप ही की तैयारी हम कर चुके हैं। हाँ,
बताना चाहेंगे आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे दिल्ली में आके। यहाँ पे आप सही लग रहा है, इसमें हमने सुबह नींबू पानी पिया था, नींबू पानी और शहद, तो ये हमने धो के रख दिए थे और अभी हम इन्हें डाल देंगे। पर ये आप सही करते रहे हो, लेकिन साफ सफाई जरूरी है। आप काम कर रहे हैं उससे पहले आप साफ सफाई कर सकते हैं। आप देखिए, आप जैसे इन्होंने कितनी अच्छे से साफ सफाई रखी है, क्योंकि हम बर्तन देखिए, हमने जितने भी डोमिनोज खाए हैं तो आधे आधे ये बच्चे हैं, क्योंकि ये हम बेचने की सोच रहे हैं, डोमिनोज के साथ बिजनेस करने की सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास चाय है। फिर आप क्या करना चाहेंगे, चाय होगी रेडी तो आप सबको बुलाने के साथ पिलाना चाहेंगे? आओ गाइस चाय पी लो, चेक कर लेनी चाहिए। बस 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 बस, तो गाइस मैं तो पीती हूं घर के चाय। पहाड़ी, वो पहाड़ी किस बात का पहाड़ी, जो चाय ना पिए ना अच्छे से चाय की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो पहाड़ी तो सर आपको पीता है, तो इसका ये मतलब थोड़े ना है कि चाय की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो अरे यार गाइस, ये मैसी 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 हो जाता है, तो प्लीज इसे अवॉइड करिए, अवॉइड करिए और इस पे कपड़ा मारिए, जब मैसी हो जाए तो उस पे कपड़ा मार दीजिए। हाँ, तो ये आपको कंट्रोल करने के रहेगा कि हाँ आपका सफाई भी साथ साथ रहेगी, काम भी साथ साथ रहेगा। जैसे ये कर रहे हैं, ये बहुत क्लीनिंगनेस बोलते हैं, जिसे क्लीनिंगनेस हाँ यही बोलते होंगे शायद। सफाई की ज़रूरत है, कि स्वच्छ भारत अभियान भी चलता है, हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे बोलते हैं कि स्वच्छ भारत रहना चाहिए, तो हमें वो अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि इन्होंने, इन मैम ने किया है। हम इनके एडिटर हैं, छोटे मोटे ब्लॉगर्स हैं, लेकिन इनको देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना नहीं आता। देखिए अब इसको हमने दोबारा खोल दिया और हम गैस पे, क्योंकि ये आपको आपको किसी ब्लॉग्स में नहीं दिखा जाए, किचन में अदरक इसमें गिर गई थी। और क्योंकि आपको इस ब्लॉग्स में कहीं नहीं दिखाया जाएगा कि यहाँ किचन साफ भी करते हैं, क्योंकि वो तो आपको नॉर्मल बाहर घुमा रहे हैं। किचन साफ करने का तो जो इम्पोर्टेंस है लाइफ में, आपको पता है जब खाना बनाने तो सफाई होनी चाहिए। जैसे कि आप ये देखिए कितनी सफाई से काम कर रही हैं, आपको इनसे मोटिवेशन लेना चाहिए कि कैसे सफाई से काम करें आप। चलिए चलिए, हाँ ये सिर्फ हिंट है, प्रूफ आपको हिंट दिया है, ये हो गया कि ये हल्का आपको चाय के बर्तन में पानी डाल के रख दिया, जो थोड़ी देर में धुल जाएगा। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट, अब हम चाय पियेंगे, लेट्स हैव आवर टी। सो हमारी दूसरी चाय है, आप बोल सकते हैं। चलिए अब आपको हम आपको मिलते हैं चाय के बाद। चलो बैक टू, बाय गाइस।